सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मंडी में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 70 पर लैंडस्लाइड हो गया है। बारिश की वजह से पहाड़ी का एक हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। गनीमती रही कि सड़क पर चल रही गाड़ियां मलबे की चपेट में नहीं आई। वहीं लैंडस्लाइड होने के बाद हाईवे पर दोनों साइड लंबा जाम लग गया और करीब 4 घंटे तक हाईवे बंद रहा। तस्वीरें आपके सामने, मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर NH हाईवे नंबर 70 पर पहाड़ी का एक हिस्सा गिर करके टूट गया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। 4 घंटे तक ये लंबा जाम लगा रहा और गनीमत ही रही कि ये जो पहाड़ी का हिस्सा टूट करके गिरा है वो किसी वाहन पर नहीं गिरा, यानी कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सुनील परमार, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोन पर हमारे से जुड़े हुए हैं। सुनील, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज किया गया है? आज निश्चित तौर पर कीर्ति, मैं बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून जो है वो अपनी चरम सीमा पे, हालांकि यदि बात की जाए पिछले साल के मुकाबले अभी भी जो है 35% जो है वो कम बारिशें यहाँ की गई हैं। और मौसम विभाग की माने तो उन्होंने साफ कहा है कि अगस्त महीने में भी जो है भारी बारिश जो है रहने की संभावना है, और उसी को लेकर जो है वो 3 दिन का अलर्ट भी जो है वो प्रदेश में जारी किया गया, यानी कि आज कल परसों यानी कि 1 अगस्त तक जो है वो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, और जिसको लेकर जो है वो अभी तक यदि 2 महीने का आकलन किया जाए तो 100 फुट से ज्यादा का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और वहीं 104 सड़कें जो है वो बंद पड़ी हैं लैंडस्लाइड के चलते। और वहीं बात की जाए राष्ट्रीय उच्च मार्ग 70 यानी कि मंडी शिमला मनाली जो हाईवे है ये भी जो है वो 4 घंटे से बंद था। और यहाँ पे गरिमत ये रही कि जब ये पहाड़ी धरती है वहाँ पे और एक निजी बस उसी समय जो वहाँ से निकल गई है और कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम जो है वो अपने तीखे तेवर दिखा रहा है उसके चलते जो है वो हिमाचल एक पर्वत क्षेत्र है और जहाँ पे जो इस तरह के जो लैंडस्लाइड है मूवमेंट देखने को मिलते हैं। वहीं यदि बात की जाए आज की तो आज जो है शिमला में और शिमला के आसपास के क्षेत्र की जो विजिबिलिटी, मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए विजिबिलिटी 0 है, यानी कि धुंध जो है पूरे प्रकोप से है, तो वाहनों को चलाने में भी काफी दिक्कत आ रही है। वहीं यदि बात की जाए मंडी की, जहाँ पे ये नेशनल हाईवे 70 बंद हुआ है उसके चलते लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि जो है स्थानीय प्रशासन जो है वो अपनी जो PWD की मदद से जो सड़क को खोलने का भरपूर प्रयास कर रही है और दोनों तरफ लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पिछले 4 घंटे से जो है ये मार्ग अवरुद्ध है और वहां से जो है छोटी वाहनों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि काफी मुश्किलें जो है वो सामने आ रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम इस जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि अभी रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। इस बीच लंबा जाम की स्थिति बनी लेकिन रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि जाम को ट्रैक पर लाया जा सके।